तो देखिए आज अंतिम समय में कितना जोश और उमंग है। सम्राट चौधरी का रोड शो है और गोपाल जी ठाकुर के चेहरे पर मुस्कुराहट कुछ ब्याह कर रही है। आज की मुस्कुराहट क्या ब्याह कर रही है? देखिए हम तो हर वक्त मुस्कुराते हैं क्योंकि अपने लिए कुछ करना नहीं है और जनता मतदाताओं के लिए दिन रात लगे रहते हैं। तो अभी जो लोकसभा की चुनाव का अंतिम चरण में हमारे राज्य के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का रोड शो हो रहा है, जिसमें दरभंगा नगर विधानसभा क्षेत्र के जन सैलाब उमड़ के उनके रोड शो में शामिल हुआ है। यह स्पष्ट दर्शा रहा है जो 13 मई को एक नंबर पर कमल छाप जो मेरा चुनाव चिन्ह है उस पर बटन दबेगी और कमल ही कमल खिलेगा और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है अब की बार 400 पार, उसमें एक दरभंगा का भी प्रतिनिधित्व आज स्पष्ट हो गया। दरभंगा में भी कमल खिलेगा और नरेंद्र भाई मोदी को उस 400 में एक दरभंगा। आपने एक बात बहुत अच्छा कहा था, उसको दोहरा दीजिए जनता को। उन्होंने आपने कहा था जनता हमको वोट देके जिताती है और हम एक वोट देके मोदी सरकार के निर्णय को जो लागू होता है नियम बनता है उसमें करते हैं, ये क्या? देखिए यहाँ के मतदाताओं मालिकों ने जब एक मत मुझे कमल फूल पर बटन दबा करके देता है तो हम यहाँ से जब जीत के जाते हैं और देश के प्रधानमंत्री को अपना मत उनके निर्णय में करते हैं, चाहे 370 धाराएं हटे, चाहे नागरिक संशोधन कानून बिल बने, चाहे 3 तलाक कानून हो या फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार के मजबूती को देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया जो अयोध्या के उसी भूमि पर राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य स्वरूप में मंदिर बनेगा, तो यह जनता जनार्दन का जो एक मत है उसी का परिणाम है। वही हम कहते हैं जो आपका एक वोट वहाँ पर हमारा एक वोट 370 नागरिक संशोधन कानून बिल में जा करके आपका काम पूरा करता है। तो चलिए देखिए आज गोपाल जी ठाकुर पूरी तरह अस्वस्थ हो गए हैं। चारों तरफ दरभंगा के 6 विधानसभा का हमने खुद सर्वे किया है, उसमें निश्चित तौर पर इनके प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और आज का रोड शो और इतने हुजूम लोगों में है। अंतिम में एक बार जनता से ये अपील कर दीजिए कि सुबह सुबह बिना नाश्ता किए कम से कम वोट के लिए आ जाए, प्रतिशत बढ़ाना। देखिए यहाँ के जनता काफ़ी जागरूक है और फिर भी आपके चैनल के माध्यम से अपने मतदाता मालिकों से अपील करना चाहेंगे जो पहले जलपान पहले मतदान फिर जलपान, ऐसा गलती ना हो जो हम लोग खाने बनाने में लगे रह जाए और विरोधी लाइन लगावे, तो पहले मतदान फिर जलपान। तो धन्यवाद। और देखिए लगातार हम बता दें बस कुछ ही देर में इसी रथ पर निकलेंगे आपको सम्राट चौधरी और ये रोड शो होगा 5 बजे तक, जहाँ तक हो सकता है वो रोड शो होगा और इस रोड शो के जरिए एक संदेश देने का प्रयास करेंगे कि किसी भी तरह इस बार जो की सरकार है उसको बचाने के लिए, उसको बनाने के लिए, जबकि विपक्ष पूरी तरह संविधान बचाओ के मुद्दे पर हटना चाहती है, लेकिन अब की बार देखिए जुलूस और जोश उमंग है। क्या नेताजी कितना जोश उमंग है? पूरा जोश उमंग है, युवा नेता सम्राट चौधरी आ रहे हैं और वो भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर गोपाल जी चौधरी के लिए वोट के लिए अपील कर रहे हैं, करेंगे, इसीलिए रोड शो कर रहे हैं। तो चलिए हम बता दें अभी हमने देखा गोपाल जी ठाकुर का और फिर हम आपको बता दें कि कई नेता यहां पर हैं आज जोश और उमंग में के साथ हैं और हमारे साथ आर के चौधरी जी भी हैं। कमल का फूल बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। शो का अच्छा लग रहा है शो में, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे क्या प्लान है? आगे क्या प्लान है मैं आपको बता देना चाहता हूँ
कि एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच इस देश में लड़ाई है और एनडीए गठबंधन का नेता नरेंद्र मोदी तो तय है। मैं और लोगों से पूछना चाहता हूं कि इंडी गठबंधन में कौन सा नेता है जो प्रधानमंत्री बनेगा? आपके पास कोई चेहरा नहीं है और अभी जानकारी मिली है कि ये लोग साल डेढ़ साल के लिए बांटेंगे प्रधानमंत्री का पद। जब प्रधानमंत्री का पद प्रसाद स्वरूप बटने लगेगा तो उस देश का क्या होगा आप समझ सकते हैं। इसलिए जनता ने मन बनाया है, जनता ने ठाना है मोदी को जिताना है, बिहार में 40 और देश में 400 बार बनाना। तो क्या लगता है कि पहले इसके माहौल अब माहौल बदला है क्या थोड़ा सा? पहले से माहौल बना हुआ, अब जो जो चुनाव निकट आता जा रहा है माहौल गर्माता जा रहा है और लोग मन मानसिकता अपनी बदल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को एक एक वोट ईवीएम में दबा कर दे रहे हैं। अच्छा, तो आप अस्वस्थ हो गए किस बार? 110% पूरा अस्वस्थ है। 100 देखिए डॉक्टर शुक्ला है, आज हमारी मुलाकात मोड़ों में हुई थी, कई जगह इन्होंने आज तमाम उन जन लोगों को नेता को जो गुस्साए हुए थे गोपाल जी ठाकुर से उनको इन्होंने मनाने का प्रयास। कितना कष्ट हुआ, कितना मेहनत लगी? कोई मेहनत नहीं लगा, बस मैं गया और सारा सिस्टम ऑन हो गया। अभी आपको मैं बताऊंगा कि उन लोगों ने इतना ही कमिटमेंट मुझे किया है कि पिछली बार 112 वोट का वहाँ पे वोटिंग हुई थी बीजेपी के पक्ष में, उन लोगों ने बताया रतनपुरा में, और उन लोगों ने मुझे आश्वस्त करके भेजा है कि जो बिहार में नहीं बल्कि देश की जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत कोई आएगी रेशियो, उस रेशियो के तहत आप देखेंगे कि हमारे रतनपुरा का पार्ट उस रेशियो को हमेशा पार किया होगा, जबकि वो अल्पसंख्यकों का मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। और सभी आदमी उन्होंने जमकर मुझे मेरे ऊपर फूल की बारिश की, माला से मुझे लाद दिया, आपके पास फोटोग्राफ उसका होगा ही और आप देख भी पा रहे होंगे उस चीज़ों को। तो वहाँ के तरफ से हमारे तरफ से हमको निश्चिंत करके भेजा गया कि आप निश्चिंत रहें, दरभंगा में अगर सबसे ज़्यादा वोटिंग होगा तो हमारे रतनपुरा क्षेत्र में बीजेपी के पक्ष में वोटिंग होगा। और लोगों ने मुझे आश्वासन दिया। हाँ, उन लोगों की शिकायत कुछ थी कि उनका रोड जो है बस बरुआरा से लेकर उनके गाँव तक की रोड टूटी हुई है। अभी के समय भी रोड का टूटना हमारे लिए भी बड़ा दुखद महसूस हुआ, मुझे भी जाने में परेशानी हुई, लेकिन कुछ हमें लग रहा है कुछ नियमावली ऐसी होगी जिसके कारण से वो परेशानी रुकी हुई है। समर चौधरी के आगमन के बाद क्या लगता है कि माहौल और थोड़ा सा घूमे? माहौल तो बिल्कुल बदला हुआ पहले ही से है, जिस दिन से मोदी जी आए हैं उस समय से पहले ही से बस मोदी के नाम पर ही सारा काम है। और हमारे माननीय सांसद जी के द्वारा जितना भी डेवलपमेंट और विकास का काम हमारे क्षेत्र में दरभंगा में किया गया है वो सराहनीय है। जब आप उसको किनफुली देखेंगे तो आप ये बताइए कि दरभंगा का अगर रोड बना तो मोटरसाइकिल का चक्का खियाना कम हो गया, गाड़ी की स्पीड बढ़ गई। पहले लालू जी के राज्य में लालटेन का राज्य था, जिस समय सारे आदमी मिट्टी तेल के लिए लाइन में लगे रहते थे, आज मिट्टी तेल की जरूरत नहीं है किसी को। पहले लोग गैस के लिए गोदाम के सामने खड़े होते थे, आज घर घर गैस पहुँच रहा है। इन छोटे छोटे चीज़ों को पब्लिक को जब आभास अभी हो रहा है कि इन सब चीज़ों के दुख से हम निकल चुके हैं तो बड़े चीज़ों की चिंता वो लोग नहीं करते हैं। हमारे दरभंगा के लोगों में अपार हर्ष है कि माननीय गोपाल जी ठाकुर के द्वारा रोड के ऊपर काला किया गया, राजद की सरकार के द्वारा जो चेहरे को काला किया जाता था हमारे माननीय सांसद और माननीय मोदी जी के ये में रोड को काला करके चलने लायक बना दिया गया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो चलिए बस आज शाम 5 बजे के बाद प्रचार का शोर थमेगा, उसके बाद हम दिखाएंगे दरभंगा में कूटनीति किस तरह होती है, कैसे एक दूसरे को रणनीति के तहत कूटते हैं, एक एक पल हम आपको दिखाएंगे। देखते रहे।